लगा कि मैं ही बहुत इनरिच्ड एंड अपडेट हो गया आप लोगों के इंट्रोडक्शन से। तो विधिवत रूप से मैं इस प्रोग्राम को आयोजन करने में TDRI के निदेशक श्री मनीष उत्साह जी को धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि स्मार्ट व्यक्ति है, बस 10 मिनट में मैंने देख लिया ये स्मार्ट गई और यही टाइम कोऑर्डिनेट बेटर हुए। तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, मनीष जी को, अरुण कुमार जी GM रहे हैं, रिटायर्ड मैं बोलना नहीं चाहता, GM रहे हैं और इनकी पर्सनैलिटी में जो दिखा है उसमें अब आपको समुंदर से मोती निकालना होगा। इज द समुंदर एंड यू हैव टू ड्रैग आउट द मोती फ्रॉम समुंदर। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। हमारे कलीग वर्मा जी, जिन्होंने बड़ा अच्छा टॉपिक चुना है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये ठीक है, हम लोग यहाँ इंटरेक्ट करेंगे, काफ़ी अच्छे वातावरण में हम लोग अपनी बातों को रखेंगे। बट ये सब चीज़ तो करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आपको करना ही करना पड़ेगा, आपको अपने को रजिस्टर्ड करना ही करना पड़ेगा, और ये सब के लिए यहाँ पर आपको जानकारी अच्छी मिलेगी। दूसरी चीज़ें मैं ये कहना चाहूँगा कि 10 कदम की दूरी पहला कदम जरूरी है, जो इन्होंने बताया, तो पहला कदम है ये सर, 10 मील की दूरी पहला कदम जरूरी है, तो ये पहला कदम है और पहला कदम सक्सेस का एश्योरेंस होता है। सॉरी, तो मैं कुछ लोगों को बढ़िया से यहाँ देखा हूँ, समझा हूँ, कई बार मिला भी हूँ, और मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जो टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं वो टॉपिक्स बड़ी ज़रूरी टॉपिक्स हैं, है ना, एक्सपोर्ट प्रोसीज्योर एंड डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस एंड आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट्स, तो ये सब चीज़ एक ज़रूरी चीज़ है, आपको इनिशिएशन में ये सब करना ही होगा। और हम लोग, जैसा कि बताया गया पूर्व वक्ताओं ने, कि हम लोग बीइंग मिनिस्ट्री ऑफ MSME, हम लोग इसमें काफ़ी हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने 10 आदमी का ग्रुप बना लिया, तो उस 10 आदमी को हम लोग विदेश भेजने का, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में काम करते हैं। एक चीज़ में मुझे भी वैक्यूम लग रहा है, जो अभी तुरंत मैंने फील किया, कि जैसे भारत सरकार में क्या है कि भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं, मंत्रालय हैं, वहाँ पर MSMEs के लिए 25% का रिजर्वेशन है परचेजिंग में, क्रय में। तो उससे क्या होता है कि परचेजिंग में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म MSMEs को मिल जाता है, और भारत सरकार एज ए होल बिगेस्ट परचेजर ऑफ इंडिया एज ए होल। लेकिन एक्सपोर्ट में ऐसी बात नहीं है कि MSME को दूसरा कंट्री तरजीह दे कि मैं आपको 25% मिनिमम परचेज करूँगा, ये नहीं है। बाद में फ्यूचर में अगर कुछ इस तरह की धारणा बनी तो हो सकता है कि सारे कंट्रीज मिलके MSMEs, बड़ा इंटरनेशनल वर्ड है, इट इज़ नॉट इंडियन वर्ड, पहले हम लोग इसको SSI बोलते थे, लेकिन नाउ इट हैज़ कम इन द फॉर्म ऑफ MSMEs, इट इज़ इंटरनेशनल वर्ड्स। तो हो सकता है कि भविष्य में MSMEs को एक नया प्लेटफॉर्म पूरा वर्ल्ड दे दे, वी कैन वेट फॉर अ डे, बट ये अभी नहीं है। तो अभी आपके लिए एक्सपोर्ट करना थोड़ा सा ज़्यादा एक्सर्ट लगाने के बराबर है, क्योंकि आप बिहार में, सॉरी इंडिया में अगर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचते हैं तो एक प्लेटफॉर्म है आपके 25% का, कुछ 358 आइटम्स जो हैं रिजर्वड हैं 100% प्रोक्योरमेंट, अगर वो सरकार प्रोक्योर करेगी तो MSC से ही करेगी। तो कुछ प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप अपने आप को स्टेबिलिटी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट में ये बातें नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा और ज़्यादा मेहनत, कश्मकश और तदुरत की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके लिए ये सब क्लासेस बहुत ज़रूरी है ना। इट इज़ लाइक ए, मैंने
टिकट, रेलवे टिकट, कि आप रेलवे टिकट मिलेगा देन ओनली कैन यू कैन बोर्ड इन ट्रेन। दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टिकट कि आप प्लेटफॉर्म में आके ट्रेन में बोर्ड कर जाए। इट इज अ रेलवे टिकट और यू हैव टू बोर्ड इन द प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरनेशनल जंक्शन। तो ये सब जो बातें हैं, ये सब बातों को आप लोग देखिए, समझिए और जज्बा होना चाहिए अंदर से। हमारे मिस्टर जो है बंगाली दादा, क्या नाम था उनका, चटर्जी, बीआर चटर्जी, उन्होंने जज्बा दिखाया है, अच्छा है। उनके जज्बे की कदर करनी चाहिए और उस जज्बे में आप लोग अपने आप को जोड़ के रखें। हमारे यहाँ से जो सपोर्ट आपको मिलता है, पहले तो आप स्टेबिलिटी अपने देश के लिए करें, अपने राज्य के लिए करें, कि अपने प्रोडक्ट को स्टेबल बना लें, आपका बिजनेस ठीक ठाक चलता रहे, देन यू थिंक फॉर ट्रिप एक्सपोर्ट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सीधे आप एक्सपोर्ट पर जाते हैं तो इट इज़ गुड थिंग बट नॉट सो हेल्दी। आपका एक्सपोजर अगर जब तक नहीं होगा तो यू नो लोकल को वोकल होना पड़ेगा, तो आपका प्रोडक्ट बोलना चाहिए देश में, राज्य में, तभी वो विदेश में बोल पाएगा। एक्सपोजर की ज़रूरत होनी चाहिए। तो ये एक्सपोजर की ज़रूरत के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और ये एक अच्छा मंच आपके लिए है जिसमें इस तरह का एक्सपोजर्स, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स, ये सब की ज़रूरत पड़ेगी और उसको आप लोग यहाँ आराम से इनकल्केट कर पाएंगे। तो जैसा कि विदित है कि हम लोग 5 दिन के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और 5 दिन में कुछ अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स को हम लोग सीखेंगे और कुछ कुछ बातें यहाँ मुझे अच्छी लगी। जैसे कि एक मैडम ने बताया कि जो हैंडीकैप्ड हैं उनके ब्रेन को हम सेंसिटाइज करके उसको यूज़ करेंगे, तो इट इज़ ए गुड न्यू डायमेंशन सॉर्ट ऑफ थिंग्स, है ना। फिर एक मोहतरमा ने बताया कि मैं ब्लाउज पे फोकस कर रही हूँ, तो ठीक है, हमारा नज़रिया भी उस हिसाब से बदलेगा, हमारा सोचने का अंदाज, देखने का अंदाज, और यू नो एक नया टेक्सचर या एक नया यू नो नया टाइप का रेसिपी सॉर्ट ऑफ थिंग्स हम लोग इसको देख पाएंगे, सब समझ पाएंगे। और ये अच्छी है पहल, कोई भी चीज़ को आपने नया रूप में लिया है तो एक पहल अच्छी है और उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें सफलता मिलेगी। उसी तरह से एक मैडम ने जो बंगालीज के आर्ट एंड कल्चर और हैंडीक्राफ्ट को एक सिंगल विंडो में आपने लाने की कोशिश किया है, इट इज़ अनदर गुड प्लेटफॉर्म फॉर द बंगालीज, इवन फॉर नॉन बंगालीज पीपल ऑल्सो। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका आउटरीच बहुत बढ़ जाएगा। सही बात है, मान लीजिए मैं ही बिहार से बाहर जाता हूँ तो मुझे चाहिए बिहारी खाना, प्रायोरिटी तो यही रहती है कि बिहारी खाना चाहिए, तो ये बड़ा, दिस इज नॉट अ वीकनेस, दिस इज द डिज़ायर। तो आपने उसको टैप किया है तो ये एक अच्छा पहल है आपका और हो सकता है कि कुछ और लोग भी उसमें जुड़ जाएं, यहाँ के लोग शौकिया बन जाएं और जो बंगाली है उनकी ज़रूरत बन जाए, तो एक अच्छा आपने पहल किया है। तो इस तरह की बातों को ध्यान में रखकर आप लोग आगे बढ़ें और मुझे लगता है कि आप लोगों में से कुछ बंदे जो हैं, खासकर यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो मधुबनी पेंटिंग से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो मधुबनी पेंटिंग तो दुनिया में इसका अलग रुतबा है, हाइप है, और इसको कुछ और रूप से आप लोग इन्फ्यूज़ करें, दूसरे स्टेट के आर्ट को इसमें जोड़कर कैसे आप फाइन आर्ट्स के साथ मधुबनी टच कर रहे हैं, फाइन आर्ट्स के साथ कैसे कर रहे हैं, दूसरे स्टेट के जो और फाइन आर्ट्स हैं और हैंडीक्राफ्ट हैं, हैंडीक्राफ्ट को आप कैसे इन्फ्यूज कर दें मधुबनी पेंटिंग में, तो ये सब चीज सोचने की बात है। देयर इज स्काई इज द लिमिट, कहीं इसका अंत नहीं। तो इस तरह की बातें अगर आप लोग कीजिएगा तो पहचान बन जाएगी, और पहचान ही बनाना मुश्किल काम है, पैसा बनाना मुश्किल काम नहीं है। पैसा मैं बताता हूँ कि जो लोग रोड के किनारे भुंजा और चावल बेचते हैं ना, उनका अर्निंग जितना इन्वेस्टमेंट है उससे बहुत ज़्यादा होता है, और आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उस हिसाब से आपका अर्निंग शायद नहीं हो पाए, लेकिन 10 ही रुपया इन्वेस्ट करेंगे उससे 50 रुपया कमा लेंगे।
तो यू कैन थिंक कि उनका इन्वेस्टमेंट कितना कम है और अर्निंग कितना ज़्यादा है। लेकिन आप यहाँ इनोवेटिव आइडिया को नर्चर करके, इनकलकेट करके एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो यू आर गिविंग ए न्यू डोमेन, न्यू प्रोडक्ट टू द वर्ल्ड। तो इसलिए एक आयाम जो आप देने जा रहे हैं वो तारीफ़ काबिल है, काबिल तारीफ है जल्दी से। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें सफल होंगे, और वैसे हमारी हमारा कार्यालय आप लोगों के लिए खुला हुआ है, और हमें अच्छा लगेगा कि आएँ और कुछ बातों को जैसे इंटरेक्ट किया है करें। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, एक कहावत है ना, वी आर द मास्टर ऑफ नन, वी आर द मास्टर ऑफ नन। मैं मास्टर हूँ लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में नहीं हूँ। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में प्रॉब्लम है, वी आर नॉट कंसर्न विथ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बट वी कैन राइट ए लेटर टू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कि यू करेक्ट ये इन द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, दैट मैंडेट वी हैव। इफ एनी शॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग रीपेमेंट, रिगार्डिंग मार्केटिंग, रिगार्डिंग एक्सप्लॉयटेशंस, वी आर हैविंग ए चैम्पियन पोर्टल, एज यू नो आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड इट, नेम इज चैम्पियन पोर्टल। एनी शॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग MSEs, वी कैन एश्योर यू वी कैन एड्रेस योर प्रॉब्लम, वी कैन रेज द इशूज टू द पर्टिकुलर कंप्लेनिंग पीपल एंड वी आस्क देम टू रिजॉल्व योर इशूज। If they don't ask, we have the authority to set them right in the form of a legal way. So we are not the master, but we are not less than masters. So we, you try to understand what I mean to say. तो आप इन सब को लेके आगे बढ़ें, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। खासकर यहाँ के निदेशक बड़े अच्छे तजुर्बेकार मनीष जी लगे हमें, आई एम रियली इंस्पायर्ड विद हिम, और मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर भी हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे और उस पर विचार करते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।